नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपनी पंच का एक और वीडियो। गाड़ी मेरी चल चुकी है 12,200 कुछ किलोमीटर, यानी कि 12,000 से ऊपर ही चल चुकी है। पहली सर्विस अभी नहीं हुई, 2-3 हजार किलोमीटर और चला के इसकी पहली सर्विस करवा दूंगा, जो पेड सर्विस होती है, जिसमें भाई इसका इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह सारा कुछ चेंज होगा। तो वो वाली सर्विस अब होगी 15,000 पे। तो भाई सर्विस का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना है। उससे पहले भाई मैंने सोचा कि आपके साथ इसका जो कुछ पॉजिटिव चीजें और कुछ नेगेटिव चीजें हैं वो आपके साथ शेयर करूं कि 12,000 किलोमीटर में भाई कैसा मेरे को फील हुआ। अब रोड पे चलती हुई तो बहुत अच्छी लगती हैं ये, क्या और भी बथेरी कार हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, लोगों को बहुत पसंद आती हैं, लेकिन जब खुद चलाते हैं ना तब रियलिटी का पता चलता है कि क्या क्या इसमें बुराइयां हैं और क्या क्या भाई इसमें अच्छाइयां हैं। तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। आज बात करेंगे सिर्फ इसकी पॉजिटिव चीजों के बारे में कि भाई किसी को अगर पंच लेनी है तो क्यों लेनी चाहिए, क्या क्या इसमें हमें अच्छी बातें मिलती हैं, क्या क्या भाई आपको इसमें पसंद आएगी चीजें वो आज आपको बताऊंगा। नेगेटिव चीजें जो भाई कमियां हैं इसमें वो बताऊंगा अगले वीडियो में। अब भाई वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि भाई जब लोग वीडियो देखेंगे तो उस टाइम पे भाई कमेंट भी आएंगे कि भाई इसका कंपैरिजन आप काइगर के साथ कर लो, जो रेनो काइगर आती है, या फिर निसान मैगनाइट है, एक सिट्रोइन C3 है। तो सेम सेगमेंट की है ये, प्राइस वगैरह सबका मतलब सेम ही है, पावर वगैरह इक्वल ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, तो एक टाइप से सेगमेंट सेम सा हो जाता है। तो इसलिए भाई कमेंट आएंगे उनके साथ भाई इसका बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर रहा। एक टाइप से माइंड से बिल्कुल उसकी कर दी मैंने वो तीनों कार, क्योंकि ना तो सर्विस सेंटर इतने हैं, ना कोई सर्विस इतनी कुछ खास है कि भाई रेनो की सर्विस बहुत बढ़िया है या फिर उनका स्पेयर पार्ट बहुत सस्ता है। मेरे माइंड में सिर्फ तीन कार हैं इस टाइम पे, एक है अपनी ये टाटा पंच, एक है मारुति की फ्रोंक्स, नेक्सा फ्रोंक्स बोल सकते हैं आप, या फिर ह्यूंडई की एक्स्टर। तो ये तीन कार अपने माइंड में लेकर चल रहा हूँ कि भाई इसमें पॉजिटिव चीजें क्या हैं। भले टाटा की सर्विस बेकार है, लेकिन उनकी भाई इससे ऊपर ही है कुछ, यानी कि टाटा से और भी ज्यादा खराब सर्विस है रेनो की, निसान की, या फिर सिट्रोइन का तो भाई कुछ कह ही नहीं सकते, सिट्रोइन का तो शोरूम ही बहुत कम है। तो इसलिए मैं उनको बिल्कुल स्किप करके चल रहा हूँ। अब बात करते हैं भाई इसकी पॉजिटिव चीजों के बारे में। सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज है जो सबको पसंद आती है वो है भाई इसका ये डिजाइन, जो इसका ये प्रॉपर एसयूवी वाला बॉक्सी लुक जो इसको दिया है ना टाटा ने, ये भाई सबको पसंद आता है। फ्रंट से, साइड से, पीछे से, कहीं से भी आप इसको देखोगे तो भाई एक एसयूवी ही आपको लगेगी। फ्रंट से यहाँ पे देखते हैं तो छोटी हैरियर वाला लुक इसमें आता है, जैसे पहले हैरियर आती थी, अब तो थोड़ा सा चेंज हो गया उसका लुक। और भाई चलाने में भी प्रॉपर एसयूवी वाला फील ही आता है जब आप इसकी सीट पर बैठोगे ना, किसी भी सीट पर बैठ जाओ, ये नहीं कि फ्रंट वाली सीट पर बैठ गए, पीछे वाली सीट पर भी आप बैठोगे तो भाई एसयूवी वाला फील ही आएगा कि किसी एसयूवी में ही बैठे हैं। ये लगभग 9-9.5 लाख रुपए की आपको मिल जाएगी। एडवेंचर रिदम वेरियंट है सीएनजी में। अगर बेस वेरियंट आप इसका लेंगे पेट्रोल में तो वो भाई लगभग 6.5 लाख रुपए के आसपास आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा उसमें भी 5-10 हजार, तो लगभग 6.5 के आसपास वो आपके घर पे पहुंच जाएगा, यानी कि ऑन रोड कीमत है 6.5 लाख रुपए इसकी। तो भाई अब वैगनार कोई लेगा इस प्राइस रेंज में या फिर कोई और कार लेगा, उस सेगमेंट में जाने वाला बंदा अगर भाई पंच लेगा तो उसको कैसा फील आएगा। आप इसको कहीं भी लेकर चले जाओ, ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये भाई कहीं भी टच नहीं होती। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भाई बहुत बढ़िया यहाँ पे दिया गया है। इसको पहाड़ों पे भी लेके गया हूँ, प्लेन में भी बथेरे चलाई है भाई मैं, खेतों में भी ले गया, जो कच्चे रस्ते होते हैं इस टाइप के रस्ते खेतों में जाने के लिए, वहां पे भी मैं इसको लेके गया। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा भाई कि ये कहीं से टच हो जाएगी नीचे, बिल्कुल फ्री माइंड भाई मैं इसको लेके निकल जाता हूँ। तो ये भी भाई एक इसका पॉजिटिव पॉइंट ही है। तीसरा भाई, यहाँ पे आपको जो ये इसमें ये इतना स्पेस जो दिखाई दे रहा है, ये भी आपकी हेल्प करेगा कहीं भी उबड़ खाबड़ रस्तों में इसको लेके जाने के लिए, क्योंकि जो इसका ये ट्रैवल है ना टायर का, 15 इंच का इसमें टायर है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 इंच का है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना ये इसमें मिलेगा टायर को घूमने के लिए आगे पीछे। यहाँ पे कहीं भी अगर ये हिलेगा तो टच नहीं होगा, आपने एक्स्ट्रा में देखा होगा ये चीज, पीछे दो बंदे बैठ जाएंगे ना उसमें एक्स्ट्रा में, तो ये बिल्कुल टच हो जाता है, ये टायर यहाँ पे ऊपर घुस जाता है, यहाँ तक आ जाता है इतना। तो वो थोड़ी सी नेगेटिव चीज है कि सोकर बिल्कुल भाई उसमें स्पेस ही नहीं रहेगा, कहाँ वो जंप करेगा, कहीं गड्ढे में जाएगी या फिर कहीं भी उबड़ खाबड़ रस्तों में जाएगी तो फिर काम नहीं चलेगा ना, वो सीधा आपको गड्ढे अंदर ही फील होंगे। तो वो वाली थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जो कि पंच में आपको नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं भाई चौथा पॉजिटिव पॉइंट, वो है इसका बूट स्पेस। इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है 210 लीटर का, सीएनजी में है तब भी यहाँ पे 210 लीटर का बूट स्पेस इसमें मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से एक जो छोटा नॉर्मल ट्रॉली बैग होता है वो यहाँ पे रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सीएनजी यहाँ नीचे इसमें ट्विन सिलेंडर जो टेक्नोलॉजी है टाटा की, वो यहाँ पे आपको दो सिलेंडर इसमें मिल जाते हैं 30-30 लीटर के। गैस
वही नॉर्मल जो आती है 8-8.5 kg वो इसमें आएगी। चलती भी बढ़िया है, माइलेज भी ठीक ठाक है। मेरे को तो भाई आज तक 27-28 से कम इसने माइलेज कहीं भी नहीं निकाली। नॉर्मल मैं जो मेरा एरिया है, ज्यादा मतलब बिजी तो नहीं है, ज्यादा ट्रैफिक वगैरह तो यहाँ पे नहीं होता, एक नॉर्मल छोटी सिटी के टाइप से यहाँ पे जैसे मैं घूमता हूँ, तो आराम से मेरे को 27-28 की माइलेज ये लोकल निकाल देती है। अगर पूरा हाईवे चल रहा हूँ ना मैं, तो 34-35 की आराम से भाई इसने माइलेज निकाल ली है CNG में। पेट्रोल में भी बढ़िया माइलेज निकाल ली है। तो ये भी भाई एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अब चलते हैं अंदर, और अंदर बैठ के आपको बताता हूँ कुछ और इसमें पॉजिटिव चीजें। सीट मैंने बताई दी, ये भाई प्रॉपर एक SUV वाला फील यहाँ पे आपको देगा। ये देखो जैसे मेरा बैठने का तरीका है, यहाँ पे जैसे एक SUV में आप बैठोगे उसी टाइप से यहाँ पे बैठा जाएगा। अंदर बैठ के भी आपको 1% ये फील नहीं होगा कि आप किसी छोटी कार में बैठे हैं। तो ये भी भाई एक प्लस है जो मैंने पहले ही बता दिया था। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो भाई इंटीरियर किसी को पसंद आएगा, किसी को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि भाई सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो यहाँ पे भाई हम जब देखते हैं तो डिजिटल इसमें आपको मीटर मिल जाता है। ये इसका जो क्लस्टर है पूरा यहाँ पे ये डिजिटल है। यहाँ पे जो मेन चीजें होती हैं वो सारी दिखा देगा। ऊपर यहाँ पे ये CNG शो करेगा, इसमें नीचे यहाँ पे ये पेट्रोल शो करता है, ये बीच में MID है डिजिटल, यहाँ पे पूरी स्पीड दिखाएगा। यहाँ पे ये इसमें RPM वगैरह वो दिखा देता है। TPMS वगैरह वो इसमें नहीं है। तो जो नॉर्मल सी चीजें होती हैं वो ट्रिप वगैरह वो सारी चीज यहाँ पे दिखाएगा। ये भाई इसका म्यूजिक सिस्टम, इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह मिल जाता है। नॉर्मल ये 7 इंच का यहाँ पे आपको ये टच म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। ये है यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। बाकी इसमें आपको कोई ट्रिप वगैरह कुछ चेक करना है तो उससे रिलेटेड डाटा ये यहाँ पे मिल जाएगा। आवाज भी बढ़िया है, स्पीकर बढ़िया क्वालिटी के दिए हैं, हारमन का इसमें म्यूजिक सिस्टम ये मिल जाता है। आपको इसमें कोई अलग से बेस ट्यूब वगैरह लगवाने की, एम्प वगैरह लगवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी, मजा आएगा आपको सुनने में। तो ये भी भाई एक पॉजिटिव चीज इसमें मैं आपको बोल सकता हूँ। दूसरा जो मेरे को सबसे अच्छी चीज इसमें लगती है पंच में, बेस वेरियंट से मिलना स्टार्ट हो जाती है ये चीज। इसमें जो ये AC कंट्रोल दिए गए हैं, जो इसका ये AC यूनिट है, ये भाई ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। लेकिन इसमें अच्छी बात मेरे को क्या लगती है, एक तो ये सारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक बटन दिए गए हैं। कुछ भी आप यहाँ पे इसके जो मोड है वो चेंज करोगे ना, जैसे इसका ये मोड चेंज करना है, जैसे पैरों पे करना है, कहीं भी करना है, तो इसके ये अलग अलग यहाँ पे ये पूरा कंट्रोल दिए गए हैं। तो इसमें वो वाली दिक्कत नहीं है कि जो घुमा के करते हैं ना, उसमें वायर होती है, वो वायर अटक जाती है भाई, थोड़े टाइम बाद काम करना बंद कर जाते हैं। मतलब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हवा नहीं आएगी, ऊपर वहां पे हवा नहीं आएगी, नीचे पैरों में हवा नहीं आएगी। तो ये कुछ दिक्कतें आती हैं दूसरी किसी कार में, जैसे हुंडई में भी आपने देखा होगा या फिर मारुति में भी देखा होगा, तो वो वाली चीज भाई इसमें आपको नहीं मिलेगी। दूसरा यहां से टेम्परेचर सेट करने में भी भाई बहुत ज्यादा ही इजी है। देखो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको कूलिंग चाहिए, जैसा चाहिए वो आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रिक ही इसमें दिया गया है। एडजस्ट आप हुंडई या मारुति में भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, वही वायर वाला सिस्टम होता है। इसको यहां पे घुमा देंगे पूरा इस साइड, तो ये ठंडा कर देगा, बीच में यहां पे करेंगे तो वायर है वो अंदर, वायर के थ्रू चलता है, थोड़े टाइम बाद भाई वो खराब हो जाता है। तो ये भी एक भाई इसका पॉजिटिव चीज मैं बोलूंगा कि बेस वेरिएंट से ही इस टाइप का ये AC के कंट्रोल दिए हैं इलेक्ट्रिक टाइप पे, कि दिक्कत इनमें भाई कम आती है, ये इतना ज्यादा खराब नहीं होते। अंदर मोटर से ही कंट्रोल होता है सारी चीजें, तो वो थोड़ा सा इजी है। एक और पॉजिटिव पॉइंट मैं इसमें ऐड करूं, वो है भाई इसमें पेट्रोल का खर्च आपका कम हो जाता है। वो कैसे, वो बताता हूँ आपको। टाटा की जितनी भी कार है ना CNG में, वो सारी CNG पे ही स्टार्ट होती हैं। CNG पे स्टार्ट टाटा बोलती है, होती नहीं, बहुत कम टाइम लेती हैं ये CNG पे कन्वर्ट होने में। जो बाकी ब्रांड हैं जैसे Hyundai और मारुति ही देता है CNG, तो उनमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब आधा मिनट लग जाएगा, एक मिनट लगेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे मैं इसका देखो सेल्फ लगाऊंगा ना, गाड़ी सीधा CNG पे स्टार्ट है, कोई इसमें यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी कब CNG पे गई, कब पेट्रोल पे गई। तो भाई ये इसमें बहुत ज्यादा मतलब एक बेनिफिट देगा आपको, कि जो स्टार्टिंग टाइम होता है उस टाइम पे जो पेट्रोल का खर्च भी है वो भी आपका बच जाएगा, जो कि दूसरे ब्रांड्स में नहीं है। टाटा ने थोड़ा सा अलग टेक्नोलॉजी ली थी, थोड़ा सा इसका जो टाइम है वो कम कर दिया, क्या किया वो भाई अब टाटा को ही पता। लेकिन ये भी एक पॉजिटिव चीज इसमें है कि भाई पेट्रोल का खर्चा आपका बच जाता है। वैसे CNG पे चलाने के साथ साथ पेट्रोल पे भी चलाना चाहिए, ये नहीं है कि CNG पे चल रही है गाड़ी, CNG पे स्टार्ट हो रही है तो पेट्रोल डलवाना ही बंद कर
कर दें, वैसा नहीं है। इसमें पेट्रोल अगर डलवाना आपने बंद कर दिया तो स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि स्टार्ट तो होती है पेट्रोल पे एकदम से, जैसे ये स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होते ही तुरंत एकदम से शिफ्ट कर जाती है सीएनजी के ऊपर। बहुत कम टाइम चलती है ये पेट्रोल पे, तो इसलिए पेट्रोल का खर्च इसमें ये बच जाता है। और एक और छोटा सा पॉइंट भाई यहाँ पे ऐड करूं, तो यहाँ पे आपको इसमें डेड पेडल मिल जाएगा, जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है जब आप लंबे सफर में निकलते हैं कहीं हाईवे पे भाई 200-300 किलोमीटर के लिए आपको जाना है, तो उस टाइम पे मैनुअल कार में भाई डेड पेडल होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक और छोटा पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करूं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे टांग के भी दिखाया है, ये टाटा की हर एक कार में आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो दूसरे किसी और ब्रांड में नहीं मिलता। यहाँ पे आप कोई कैरी बैग टांग सकते हैं, कुछ भी आप सामान यहाँ पे टांग सकते हैं, तो वो थोड़ा सा भाई हेल्प करेगा। जो सिंगल बंदा होगा कुछ भाई, वो हाथ में पकड़ के तो जा नहीं सकता, अब गाड़ी चलाएगा नहीं कहीं ट्रैफिक में या फिर कहीं भी आपको जाना है, तो इस टाइप से यहाँ पे टांग के वो बिल्कुल भाई आराम से जा सकता है। और जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है भाई, जो सब लोग जिसके बारे में बात करते हैं, वो है सेफ्टी। वैसे इसमें एयरबैग तो आपको दो ही मिलेंगे, एक यहाँ पे दिया गया है एक वहां पे मिलेगा, लेकिन भाई टाटा पंच 5-star सेफ्टी में लेके आई थी, बाकी और जो ब्रांड है उनका कहीं भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ। फ्रॉन्क्स की बोलते हैं भाई, फ्रॉन्क्स भी 5-star लेके आई है, लेकिन फ्रॉन्क्स का जो टेस्ट है वो मारुति ने खुद किया था, अपना ही खुद मतलब अंदर ही किया था प्लांट में, वो कहीं ये नहीं है कि यूरो एनकैप में करा दिया है कहीं ऑस्ट्रेलिया में या भारत एनकैप में कहीं करवाया है, वो ऐसा नहीं था, वो खुद किया था, खुद उन्होंने स्टार दिए थे उसको। अब भाई फ्रॉन्क्स के लिए ये नहीं बोल सकते कि वो 5-star लेके आएगी। रही एक्स्ट्रा की बात, तो एक्स्ट्रा के लिए भी हुंडई ने बोला था कि कंपटीशन में कोई और कार नहीं है जो 5-star लेके आई हो, हमारी गाड़ी में 6 एयरबैग मिलते हैं, ये है वो है, वो भी जब टेस्ट होगा उसका तब उस टाइम पे पता चलेगा, लेकिन जब तक उनका टेस्ट नहीं करवाती कंपनी तब तक भाई अपनी जो पंच है यही 5-star रहेगी। तो ये भी एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो इसकी तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा कि टाटा पंच आपको लेनी चाहिए। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो पहले गियर में मैंने डाल दिया, एक्सीलरेट में इसको नहीं करूंगा, पैर मैंने हटा दिया पीछे, तो अब आप देखना कि गाड़ी अपने आप यहाँ पे चलेगी, मैं बिल्कुल भी इसको एक्सीलरेट नहीं कर रहा। तो ये भी एक टाइप से पॉजिटिव चीज ही है कि भाई मतलब इतना वेट है, सीएनजी पे वैसे चल रही है और तब भी गाड़ी में यहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई भाई यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी चल दी। अगर मैं इसको हाफ क्लच में भी चलाऊंगा ना तो भी गाड़ी चलेगी। इस चीज का बेनिफिट ये होता है कि कहीं आप ट्रैफिक वगैरह में हैं, कहीं मतलब इस टाइप के एरिया में चल रहे हैं भीड़ भाड़ वाले एरिया में, तो वहां पे आपको बार बार इसको एक्सीलरेट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा इसको चलाने में। और दूसरा, अंदर बैठ के तो इसमें पूरा प्रॉपर फील आता है एसयूवी वाला, लेकिन भाई जब आप इसको कहीं भीड़ भाड़ में लेके जाओगे ना तो नॉर्मल एक जो हैचबैक होती है उसकी तरह ये चलेगी आराम से भाई। आप कहीं भी भीड़ वाले एरिया से इसको निकाल दो, कोई पतली छोटी गलियां हैं वहां से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटे मोड़ होंगे तो वहां पे भी दिक्कत नहीं आनी। टर्निंग रेडियस ये देख सकते हैं आप, बहुत मतलब कम है, एक नॉर्मल हैचबैक कार में जो आपको मिलेगा उसी टाइप से आप इसको चला सकते हैं। चलती है एक हैचबैक की तरह, फील आपको एसयूवी का देगी। तो ये भी भाई इसमें एक पॉजिटिव चीज मैं बोल सकता हूँ कि किसी को अगर ऊंची कार चाहिए कहीं लोकल यूज करने के लिए तो वो बंदा भी भाई इसको ले सकता है। अगर आपको किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाना है तो बिल्कुल आराम से प्यार से आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखना, ऊपर मैं इसको चढ़ाऊंगा, यहाँ थोड़ा सा ये हाइट है तो यहाँ पे चढ़ाऊंगा मैं इसको बिना एक्सीलरेट करे, देखते हैं भाई यहाँ पे चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी। ये देखो भाई चढ़ गई बिना एक्सीलरेट करे, बिल्कुल आराम से प्यार से चढ़ गई, कोई गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं आई, कुछ नहीं आई। तो ये भाई कुछ इसमें पॉजिटिव चीजें हैं मेन मेन जो आप इसको लेने के टाइम पे ध्यान में रखोगे। सबसे पहले तो जो इसका लुक है वो प्रॉपर एसयूवी वाला आपको मिलेगा जो दूसरा कोई ब्रांड नहीं दे रहा। मारुति में जो फ्रॉन्क्स का जो लुक है वो एक हैचबैक टाइप से ही है, क्रॉसओवर आप उसको बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा में भी आपको अंदर बैठ के फील नहीं आएगा कि आप कोई एसयूवी चला रहे, बाहर से तो उसको बॉक्सी बना दिया लेकिन अंदर जब आप सीट पे बैठोगे तो यहाँ पे बैठ के भाई उसमें 1% भी फील नहीं आएगा कि कोई एसयूवी कार आप चला रहे हैं, तो ये चीज उनमें नहीं है। दूसरा, थोड़ा सा जैसे एक्स्ट्रा में बताया, उसका जो पीछे दो बंदे बैठते हैं पीछे वाली सीट पे तो वो टच हो जाता है सोकर, उसका नीचे मतलब पूरा जो टायर है वो ऊपर टच हो जाता है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। बूट स्पेस की दिक्कत उनमें आपको मिलेगी, मारुति में भी और ह्यूंडई में भी बूट स्पेस आपको सीएनजी कार में नहीं मिलेगा। और दूसरा, बात करें भाई इसकी कीमत की, तो आपको पंच की कीमत भी कम ही देनी पड़ेगी, जो कि दूसरे ब्रांड हैं उनमें आपको ज्यादा देना पड़ता है। तो ये था भाई आज का वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।